छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से खबर है जहां मुखबिर से सूचना मिली कि हरीश भूरा न्यायपाड़ा बीएसएनएल ऑफिस के पास सट्टा खेलता है। जानकारी के मुताबिक उसके खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। सूचना पर आरोपी की पंचर दुकान पर छापा मारा गया, जिसमें आरोपी ने सट्टा पट्टी लेकर लोगों से सट्टा खिलवाने की बात स्वीकार की। छापेमारी में 5,50,000 रुपए की नगद रकम मिली। मौके पर कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। आज कोतवाली पुलिस जगदलपुर के द्वारा सट्टे के खिलाफ में कार्रवाई की गई है, जिसमें आरोपी हरीश भूरा नयापारा निवासी का है, जो कि पंक्चर बनाने का काम करता है, उसे सट्टा खिलाते हुए पकड़ा गया है। साथ में दो और आरोपी थे जो उनका सहयोग करते थे, वो भी सट्टा खिलाते थे। समारू मांझी और उदय बघेल ये भी साथ में सट्टा खिलाने में संलिप्त थे। इनके कब्जे से कुल 5.5 लाख रुपये जब्त किया गया है और सट्टा पट्टी भी जब्त किया गया है। मोबाइल में भी सट्टे के अंक लिखे हुए हैं, तो इन सब का अभी जोड़ किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत 6 खा पर कार्रवाई की जा रही है, विवेचना जारी है।